हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप सभी को पता होगा। सो यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है जिसके बारे में इस वीडियो में अपडेट करेंगे। डिटेल में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में आप लोगों को किस किस पोस्ट पर किस किस पद पर जॉब देखने को मिलेगा, जॉब का यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल कैसे निकालना है, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगा गया है और सबसे जरूरी यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना है, काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। एंड आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। नो फीस है, यानी कि हर एक कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। 300 प्लस यहां पे वैकेंसीज है, यानी कि IDFC बैंक में आपको बंपर भर्ती देखने को मिलेगा। यहां पे जॉब की कमी नहीं है। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे तो अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उन्हें यहां पे कैसे अप्लाई फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है बताया जाएगा। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले। एंड आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पे इंडिया के लिए जॉब है, मेल फीमेल बहुत यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा, बस वीडियो पे बने रहना है। एंड हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। देखो यार, यहां पे फ्री में जॉब मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे तो किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। अब आपको जॉब का डिटेल निकालने के लिए सिंपल सा स्टेप क्या करना है, आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना पिक्सेल टेक जॉब, PIXXEL पिक्सेल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सेल टेक जॉब सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सेल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेगा। कैटेगरीज में आपको मल्टीपल लेबल्स मिल जाएगा, आधार कार्ड का जॉब, अदानी का जॉब, एयरपोर्ट का जॉब, एयरटेल कंपनी का जॉब और अमूल का जॉब है। और यहाँ पे देखो ये रहा बैंक के जॉब का लेबल, तो हमें बैंक से ही रिलेटेड जॉब का डिटेल निकालना है। IDFC फर्स्ट बैंक का जॉब का डिटेल निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे बैंक वाले लेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बैंक वाले लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि अर्जेंट यहाँ पे हायरिंग चल रहा है एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक का ये रहा आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, इस वाले को ओपन कर लेना है। बाकी यहाँ पे HDFC का है, SBI का है, तो आप यहाँ पे और भी बैंकों का आर्टिकल देख सकते हैं। बट हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे IDFC के बारे में, तो हम IDFC फर्स्ट बैंक का आर्टिकल ओपन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस आर्टिकल में आपको IDFC फर्स्ट बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 प्लस वैकेंसीज हैं, यानी कि आपको यहाँ पे 400 से ज्यादा अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग पदों पे यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है। टोटल 483 रिजल्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पे बंपर भर्ती है। बाकी यहाँ पे कुछ पोस्टों के बारे में नाम दिया गया है, पद का नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब है, स्पेशलिस्ट का जॉब है, एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है और यहाँ पे एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर का जॉब है, लीड प्रोडक्ट ओनर का जॉब है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बंपर भर्ती है, अलग अलग पदों पे जॉब है। बाकी अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, यानी कि हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे करना है बताएंगे, बस वीडियो पे बने रहना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट एक्सपीरियंस बहुत अप्लाई कर पाएंगे। एज यहाँ पे 18 मांगा गया है। देखो यार, किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक यहाँ पे जॉब करने के लिए आपका कम से कम एज 18 या फिर 18 प्लस मांगा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए जॉब का नोटिफिकेशन वेरीफाई करिएगा जिस पे आपको अप्लाई करना होता है, जो कि आगे आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे जॉब का पेज का लिंक चाहिए, इस बैंक के जॉब का पेज का लिंक चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। बाकी बात कर लें यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में, तो GD टेस्ट इंटरव्यू जो भी होगा वो यहाँ पे बैंक के रूल के हिसाब से होगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ज्यादातर यहाँ पे मांगा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए जॉब का नोटिफिकेशन वेरीफाई करिएगा। और बात कर लें यहाँ पे ऐसा सैलरी के बारे में, तो सैलरी ऐसा सो नहीं किया गया है, गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के बैंक के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लास्ट डेट क्लोजिंग सून है, सो आपको फटाफट अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल व्यू करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल को पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई का लिंक, आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल जॉब प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 483 रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोफाइल को व्यू करना है, कोई भी प्रोफाइल आपको यहाँ पे ओपन करना है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे जॉब का टाइटल, जॉब का कीवर्ड देके जॉब सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जॉब का कैटेगरीज है, अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लोकेशन का जॉब देखना है, मुंबई, महाराष्ट्र,
चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंडिया, दिल्ली हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कोलकाता हुआ, हरियाणा हुआ, जयपुर, राजस्थान। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोकेशंस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कि कैसे जॉब प्रोफाइल व्यू करके कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रोफाइल्स है। मान लीजिए अगर हमें इनमें से कोई भी प्रोफाइल व्यू करना है तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं रिस्क मैनेजर का जॉब है। अगर इसके लिए अप्लाई करना है, ये प्रोफाइल व्यू करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जॉब प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जॉब के बारे में, जैसे कि देख सकते हैं जॉब का टाइटल क्या है यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मेंशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल क्या होगा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं, ग्रेजुएशन मांगा गया है जो कि बीकॉम मांगा गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल है, पढ़ लेना। और अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक किया, अभी ऐसा पेज आएगा। तो इस पेज पे आपको अपना जीमेल आईडी एंटर करना है, यहाँ पे एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके जीमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो फटाफट हम अपना जीमेल ओपन करेंगे और जो भी ओटीपी, जो भी कोड वगैरह आया होगा वो हम यहाँ पे इस बॉक्स में एंटर करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक कोड आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कोड एंटर कर दिया वेरिफिकेशन कोड। अभी हम यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो आवेदन फॉर्म है कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ डेमो के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो अप्लाई करने का तरीका, यहाँ पे पहले ही आपको दो ऑप्शन देता है, अप्लाई विथ लिंक्डइन, अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप वहाँ से सारा डेटा यहाँ पर फेच करवा सकते हो, और अगर आपको मैनुअली करना है तो आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे सबसे पहले अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे डेमो के लिए मैंने ऐसा रिज्यूमे अपलोड पे लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना टाइटल जो आपका लगता हो वो आप सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, डेमो के लिए मैंने राज एंटर कर दिया, लास्ट नेम में हम यहाँ पे वर्मा एंटर कर दिए, मिडिल नेम भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जीमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जो आपका फोन नंबर मोबाइल नंबर हो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर लो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे पैन एंड DOB का डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी देना है, डेट ऑफ बर्थ जो आप दे रहे हैं वो एज पर आधार, एज पर पैन ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो के लिए मैंने कुछ भी ऐसा यहाँ पे एंटर वगैरह कर दिया है, तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से करना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल आइडेंटिटी में भी कुछ मांगा जाता है, जैसे कि अगर आप नेशनल आइडेंटिटी में लगाते हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना आप नेशनल आईडी नंबर लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ये सेक्शन आप यहाँ से रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट एड्रेस, तो जो आपका करंट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पहले तो यहाँ पे कंट्री हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपका सिटी टाउन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे पिन कोड, तो जो पिन कोड है वो एंटर कर देना, एड्रेस यहाँ पे दे देना, फुल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना। फिर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में आपको एजुकेशन डिटेल देना है, जैसे कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना एजुकेशन नेम बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आपका यूनिवर्सिटी था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना स्टार्टिंग, एंडिंग, कॉलेज, कंट्री, यहाँ पे सारा डिटेल आपको ऐड करना है, जैसे कि कॉलेज किस कंट्री में था वो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिटी क्या था वहाँ का, और यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे थे, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे ईयर में बता सकते हैं, यहाँ पे मंथ में बता सकते हैं, फिर यहाँ पे करंट CTC वगैरह भी, एक्सपेक्टेड CTC बता सकते हैं, और एक्सपीरियंस डिटेल में एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे स्किल्स में अपना स्किल्स दे सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चंस होता है, जो आप इसका यस और नो में आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये सब सिलेक्शन करने के बाद नीचे एग्री करना और यहाँ पे नेक्स्ट करना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फाइनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे क्या करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना एक रिसेंट फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एग्री कर लेना,
और यहाँ पे अपना ई सिग्नेचर करना, यहाँ पे फुल सिग्नेचर कर देना जो भी आपका नाम है। जैसे कि डेमो के लिए मैंने डेमो कुमार एंटर यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में जॉब के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई हो जाएगा। सो इस प्रकार से अप्लाई करना है, सब कुछ बता दिया है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, हेल्प मिलेगा। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक में 400 प्लस वैकेंसीज हैं, तो आप लोग इस पेज का लिंक डायरेक्ट टेलीग्राम से उठा सकते हो, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से आप देख लो जो प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल को आपको व्यू करना है आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो जॉब का प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल को अच्छे से रीड करो और अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करके फ्री में अप्लाई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नए जॉब अपडेट में। धन्यवाद।